यशाया की पुस्तक अध्याय 6। यशाया की पुस्तक अध्याय 6। जिस वर्ष उज्जिया राजा मर गया, मैंने प्रभु को बहुत ही उच्च सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6-6 पंख थे और 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढापे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नेवे डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं मारा पड़ा, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में मैं रहता हूँ। और मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप ढापे गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं वहां हूं, मुझे भेज। उसने कहा, जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते ही रहो परंतु न समझो और देखते ही रहो परंतु न बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर। ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिरावे और चंगे हो जाए। तब मैंने पूछा कि हे प्रभु, कब तक? उसने कहा, जब तक कि नगर यहाँ तक न उजड़े कि उनमें कोई न रह जाए और घर भी यहाँ तक न उजड़े कि उनमें कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान न हो जाए और यहोवा मनुष्यों को उनमें से दूर न कर दे और उसके बहुत से स्थान निर्जन न हो जाए, चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश रह भी जाए तो भी वह भी नाश किया जाएगा। परंतु जैसे छोटे व बड़े बांझ वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ढुंड बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसके 10वें अंश का ढुंड ठहरेगा। यशाया अध्याय 7। यशाया यशाया की पुस्तक अध्याय 6। यशाया की पुस्तक अध्याय 6। जिस वर्ष उज्जिया राजा मर गया, मैंने प्रभु